देखिए भैया अल्लाह मत करो, इधर इधर दिखाओ सर। कोई बात नहीं है, काय को लड़कों के थोड़ा काटने की। देखिए बच्चे आप इतने हैं, इन सब का ये चिंगड़ी बिगड़ी का जो है ऊपर चल रहे, ऊपर घोड़ी भी जाएगा उधर से। अनपरा क्षेत्र में निकला हुआ है, रुक जाइए रुक जाइए। अनपरा उत्तर प्रदेश जंगल में, बोलिए बोलिए मत ले जाइए अभी। देख लो भोलेनाथ, अभी रुके रहिएगा भैया, अभी आनी चाहिए, रुक जाइए रुक जाइए, इधर आइए इधर आइए। अरे मत उतना करवाइए, कोबरा है ना भैया, कहा है उतना उतना करवाएंगे तो कोबरा है, उतना मत करवाइए। जेल लेके चलिए भैया, ऊपर चलिए। नाग बाबा, नाग बाबा बोले ना, बोले ना, जय भोलेनाथ। हल्ला नहीं, हल्ला हल्ला मत करो, मत करो हल्ला, मत करो, नीचे रखिए नीचे रखिए, हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए। हाथ के पास कितना है, हाथ कितना करीब है, इसलिए हल्ला करेंगे तो गोली कर देगा। ये धीरे धीरे चल रहा है, तो देखिए आप जितना भी यहाँ लोग हैं, क्योंकि देखिए सांप बड़ा खतरनाक है राज, और झाड़ फूक के कभी भी नाम पे ना रहे, क्योंकि झाड़ फूक जड़ी बूटी कोई काम करता है, सिर्फ अस्पताल। हाँ अस्पताल ही जाइए, वो देखिए कितना ऊपर तक खड़ा हो रहा है। और ये समझ लीजिए ये कम से कम 10 साल से ऊपर का, 12 साल से कम का ये सांप नहीं है, 12 साल का है। हाँ 10-12 साल, 26 साल की का है। अरे मैं बोला तो है भाग का नहीं रहा है, हो गया है, है। अभी थोड़ा बस ध्यान दिखा दीजिए, एक साइड से दबा दीजिए बुरवा, जेबो नहीं करेगा। देखिए जागरूक रहिए, किसी भी सांप का गला हो, अरे लग रहा था कि यहाँ पर आएगा सांप, भागे खींचने लिए। 12-13 साल का बाघ रे, मैं बना भी बाघ पिछवा। अरे एक लीटर दूध लाओ, से एक लीटर दूध रे बाघ के धार करा दे साफ का भगा रे। एक साइड से पत्थरवा से दबा दीजिए ना राहुल भैया, आपके पीछे दौड़ नहीं रहा क्यों? साल का ओए सर, आपके पीछे दौड़ क्यों नहीं रहा है? अभी उसको गुस्सा आ गया, तो अभी वो अपने लड़ाई के मूड में है कि हम लड़ जाएंगे और पीछे नहीं हटेंगे। अभी वो अब जानता है कि हम खड़े हो गए, इसका मतलब सामने वाला भी व्यक्ति समझ जाए कि संघर्ष में है, इसीलिए वो अपने आप को खड़ा है। भागेगा तो कोई पीछे से डंडा भी मार सकता है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए खड़ा है। इधर देखोगे इधर जिधर जिधर जाएंगे ना उधर उधर घूमेगा। ये अपने सर को बचाना चाहते हैं क्योंकि लाठी पीछे से ना मार दे। अब ये बच्चे जितना खेलने जाते हैं उन लोग को समझा दीजिए कि देख लो ऐसा सा सांप भी है, मुर्गी पकड़ने वाला है। हाँ वही भैया इसको दूर छोड़ेंगे ना आप पासे में, डब्बा नहीं है क्या? डब्बा डब्बा होगा, चला जाएगा एक बार, अभी मूड में ना है वो। एक ठेहुआ देखिए बिल है, उसमें भी है, बिल से कोई मतलब नहीं है, बिल से क्या जब लोग नहीं चाहिए उतना हम कहाँ कहाँ खोज एकदम। देखिए अभी हम लोगों ने सांप जो बस्ती में पकड़ा था अनपरा कॉलोनी, उसको इधर छोड़ने या दिखा, इधर दिखा दो पूरा एक चक्कर पूरा घुमा दे तो। हाँ इधर भी दिखा दो पीछे, हाँ इधर अभी इधर, तो इधर देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है, पहाड़ है और पानी बारिश हुआ है, तो सब इसके लिए अच्छा खासा अनुकूल माहौल है, क्योंकि पानी का देखिए सामने ही झरना उन्ना है, तो ये आराम से यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। देखिए अभी ये रहा हमारा कोबरा, काफ़ी परेशान हो गया है, ये देखिए इधर अब इधर
तो देखिए वो देखिए अभी जैसे जमीन पाया है अब इसको पूरा गुस्से में आ गया है। हाँ जाओ इधर चले जाओ। तो देखिए इसको इधर छोड़ दिया जाए। देखिए कोई भी जीव जब उसको खतरा महसूस होता है कि ये मेरा जान लेना चाहता है या आजाद करना चाहता है उसको समझ में नहीं आता है, इसलिए तो यहाँ छोड़ दिया जाए। जाओ चले जाओ। हाँ इधर आ गया। तो देखिए कितना खुश है, पानी में कोई भी जीव जाते ही कितना खुश हो गया है। वो देखिए तो देखिए वो अपना जो है चला जाएगा, उसको डिस्टर्ब। हाँ वो देखिए चला जाएगा। ठीक है आप लोग का बहुत बहुत आभार, थैंक यू।